इस बंधन में बंधा तो दूजा तीजा बंधन छूट गया। करवा चौथ मनी तो हमसे रक्षा बंधन। हाय 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 हाय। इस बंधन में बंधा तो दूजा तीजा बंधन छूट गया। करवा चौथ मनी तो हमसे रक्षा बंधन छूट गया। दिन होली हो रात दिवाली वो त्योहार नहीं मिलता। दिन होली हो रात दिवाली वो त्योहार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं मिलता। बारह मिट्टी आपको बंधन में बंधा तीजा बंधन छूट गया। करवा चौथ मनी तो हमसे रक्षा बंधन रूठ गया। अब मैं दो बंध सुनाऊंगा इसके, पहला रामायण से दूसरा महाभारत से। अवधपति दशरथ का आंगन लगता था खाली खाली। आय हाय सुना ना आपने। एक दिवस नृपति मनमाही है गिलान मोरे सुतनाई। क्या बात। गुरु ग्रह गयो तुरंत भूपाल। उन्होंने सोचा यार सब कुछ है बेटा नहीं है, तो वशिष्ठ के घर गए कि मेरा बेटा हो सकता है। वशिष्ठ ने कहा हाँ फला ऋषि यज्ञ करेंगे उसकी हवी बांट देना हो जाएगा। क्या बात। अब सुनिएगा कि अवधपति दशरथ का आंगन लगता था खाली खाली। शुद्ध अंत्यकरण से गीत पढ़ रहा हूं। अवधपति दशरथ का आंगन लगता था खाली खाली। वाह 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 वाह। चार पुत्र खेले उसमें तो हुई अजर में उजियाली। जिस सुख ने दामन थामा था, जिस सुख ने दामन थामा था पर वो जल्दी छूट गया। राम रुके तो धरती से दशरथ का नाता टूट गया। राम रुके तो धरती से दशरथ का नाता छूट गया। देवताओं को भी, हम तो मनुष्य हैं, देवताओं को भी अपना सपना साकार नहीं मिलता। इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार नहीं। डॉक्टर साहब आए हाय हाय क्या बिंब खड़ा किया है। बा, बा, बा। इस बंधन में बंधा तो दूजा तीजा बंधन छूट गया। अब आखिरी बंध इसका महाभारत की लड़ाई। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जिन्हें अहंकार कम हो। क्योंकि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा भगवान का भोजन क्या है, भगवान क्या खाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा भगवान अहंकार खाते हैं। जिसको अहंकार हो जाए भगवान उसका अहंकार खा लेते हैं और उसको समाप्त करते हैं। लाल किले के सामने से गुजरिए, जिस महल के पत्थरों की एक आज्ञा पर फकीर राजा और राजा फकीर बनता था, उसी पत्थर की संधियों को फोड़ के पीपल और घास निकल आया। अर्जुन से बड़ा तो वीर कोई नहीं हुआ। पिता में भीष्म को प्यास लगी और कहा कि पानी, तो दुर्योधन भागा सोने का कलश लेकर। बाकी लोग आए चांदी का कलश लेकर। उन्होंने कहा नहीं अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन से कहा कि दादा को प्यास लगी। अर्जुन गए और अर्जुन ने पृथ्वी में एक तीर मारा कुरुक्षेत्र में और पानी की धारा निकली और उनके मुंह तक आई, जिसे बाण गंगा के रूप में आज भी पहचान गए। इतना बड़ा महारथी। और जो बात कहने जा रहा हूं वो आपको रोमांचित करेगी। वही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद उनकी 16,000 रानियों को लेकर आ रहे थे हस्तिनापुर वापस। तो राजस्थान में एक जगह है, वहां भीलों ने अर्जुन को पेड़ से बांध के मार लगाई और रानियां छीन ली। हमारे यहाँ कहावत चलती है भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही मां। इस हॉल में किसी को प्रतिभा का, सत्ता का, पैसे का, लोकप्रियता का अहंकार हो तो इस कविता की ये पंक्तियां सुन के छोड़ के जाना, यही दर्पण है आज। क्या कहना, क्या जिंदाबाद, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाह वाह वाह। आपको आप पहचाने और ईश्वर पहचाने, इसके अलावा कोई तीसरा ना पहचाने। क्या बात है। हाय 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 हाय। लाइन आ गई, आ गई लाइन, आ गई।
कि बचपन भेंट चढ़ा ईर्ष्या की और जवानी चौसर की, पांडु पुत्र भटके वन वन में ठोकर खाई दर दर की। आए आए। कर्ण को हराया रश्मि रथी कर्ण को, सूर्य पुत्र कर्ण को। पंक्ति सुनिएगा, पांडु पुत्र भटके वन वन में ठोकर खाई दर दर की, रश्मि रथी को हरा कर्ण को, रश्मि रथी को हरा कीर्ति की सीमाओं के पार गया, रश्मि रथी को हरा कीर्ति की सीमाओं के पार गया, वही पार्थ एक दिन भीलों के हाथों ही से हाय डॉक्टर साहब, पार्थ एक दिन भीलों के हाथों से ही हार गया। और ये ध्रुव पंक्ति देकर जा रहा हूं आप सबको, राजनीति में जो लोग काम करते हैं किसी में भी ध्यान रखना, बहुत सारे लोग अहंकार में हैं आज भी पॉलिटिक्स में, कुछ तो हम ही ने बनाए। वही पार्थ एक दिन भीलों के हाथों ही से हार गया, कि एक बार बस एक बार बस एक बार, एक बार जो मिल जाता है, एक बार जो मिल जाता है वो हर बार नहीं मिलता, इस धरती पर कभी किसी को सबका प्यार। एक बार जोरदार तालियां उठाए इस नए गीत के, आप गवाह बना है कलकत्ता का ये गलत है।